हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन पार्टी मेकअप लुक। इट्स अ वेरी वर्सेटाइल लुक। आप इसे इंडियन या वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ आराम से कैरी कर सकते हो और ये हर ड्रेस के साथ इजीली जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू सी हाउ आई गॉट दिस लुक, तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पर वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन में हिट कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर विद योर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप लुक। सो गाइज, आज भी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम आई मेकअप से। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। उसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से फिल कर लूँगी और सेम स्पूली की हेल्प से इन्हें अच्छे से कॉम भी कर लूँगी। अपनी आईब्रो को कॉम ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज सारा प्रोडक्ट एक ही जगह रह जाता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट क्रायलॉन का मेकअप बेस। मैं उसे यहाँ पे आज एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं एक एंगल शेप ब्रश की हेल्प से उसे अपनी आईब्रो के ऊपर, नीचे और अपनी आईलिड पर अच्छे से लगा लूँगी, दोनों आईलिड पर। अच्छे से लगा लूँगी दोनों आईलिड पे और अपनी आईब्रो के नीचे और ऊपर। उसके बाद मैं इसे एक वेट स्पंज की हेल्प से, यहाँ पे मैंने अपने स्पंज को पहले से ही वेट कर रखा है, हमेशा वेट स्पंज यूज़ करें, और उसके बाद इसे डाइविंग मोशन में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी दोनों आईलिड्स को और आईब्रोज को भी। तो गाइज, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कवरेज कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर लेके स्पंज में ही और अपनी आईलिड पे लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर मैं करूँगी अपनी आईब्रो को सेट। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अपनी आईब्रो को करूँगी मैं सेट। सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबली न्यूयॉर्क का पाउडर। एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी दोनों को। अब मेरी आईज में थोड़ा सा पाउडर चला गया था। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम हिलारी रोडा की आई शेडो पैलेट। उस पर से मैं ले रही हूँ एक न्यूड शेड और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसे सबसे पहले अपनी क्रीज में बफ करूँगी और थोड़ा सा क्रीज के ऊपर तक जाऊँगी, क्योंकि क्रीज़ के ऊपर तक जो भी आप शेड लगाते हो तो वो बहुत अच्छा लुक देते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्रीज़ के ऊपर तक भी जाऊँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सेम ब्रश की हेल्प से एक ब्लैक शेड। इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे लगाऊंगी अच्छे से, धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए अपनी पूरी आईलिड पे लगाऊंगी। जब भी आप ब्लैक कलर से अगर आप खेल रहे हो तो ब्लैक कलर को बहुत थोड़ा 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 लीजिए, क्योंकि ब्लैक कलर में ना फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है और वो मैस हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा लूँगी और ब्लेंड करते हुए अपनी पूरी आईलिड पर अच्छे से लगाऊंगी। जब तक मुझे वो इंटेंसिटी, वो कलर नहीं मिल जाता जो कलर मुझे चाहिए, मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करती हुई लगाते रहूँगी। और गाइस, ये जो फॉल आउट हुआ है आप इसकी टेंशन नहीं लीजिए, इसको हम साफ़ बाद में साफ कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं लगा रही हूँ, फिर उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ, कलर ले रही हूँ, लगा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। आप भी बार बार लीजिए, लगाइए, ब्लेंड जब तक लगाइए जब तक आपको वो कलर नहीं मिल जाता जो आप चाहिए। फिर इसे लिया, लगाया और अपनी आईलिड पर अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक क्लीन ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश बड़ा सा, उसकी हेल्प से इन दोनों कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि सब कलर अच्छे से ब्लेंड लगे, यहाँ पे कोई भी हार्श लाइन या हार्श एजेस मुझे दिखाई ना दे। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस ये एक लूज पिगमेंट सिल्वर कलर का। इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपनी पूरी आईलिड पर लगाऊंगी और फिर उसके बाद फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आप कोई भी पाउडरी या फिर कोई भी लूज पिगमेंट या ऐसी कुछ चीज़ लगा रहे हो तो वो आपकी फिंगर की हेल्प से बेस्ट लगते हैं, तो उनको आप अपनी फिंगर की हेल्प से लगाइए तो वो ज़्यादा अच्छे से लगेंगे। ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। काजल से मैं अपनी अपर और लोअर दोनों वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी काजल को। उसके बाद एक पतले पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लैक शेड को अपनी लोअर वाटर लाइन पे भी स्मच कर लूँगी। लोअर वाटर लाइन पे कलर स्मच जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छा लुक देता है। तो लोअर वाटर लाइन पर भी कलर को स्मच कर लूँगी हल्का सा ब्लैक कलर को, अपने लोअर वाटर लाइन पर काजल के नीचे स्मच कर लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर। लाइनर को मैं अपनी सिंपल सा एक लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक और सिल्वर आई मेकअप किया है तो मैं ज़्यादा विंगी लाइनर नहीं लगाऊंगी। मैं एक सिंपल सा प्यारा सा लाइनर ड्रॉ करूँगी, क्योंकि आई लाइनर जो होता है वो हमारी आई को एक फ्रेम देता है, तो मैं सिर्फ आई को फ्रेम देने के लिए एक लाइनर लगा रही हूँ। सेम आई मेकअप मैंने अपनी दूसरी आई का भी कर लिया। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगा लूँगी, मस्कारा को अपनी अपर लैशेज और लोअर लैशेज पर अच्छे से कोट कर लूँगी। मस्कारा ना आपकी आईज़ को एक बहुत प्यारा लुक देता है, इससे आपके लैशेज़ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप आई मेकअप में कुछ भी ना करें, मस्कारा तो आपको हमें एक बार को आप लाइनर अवॉइड कर सकते हैं, पर मस्कारा कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक क्लीन ब्रश। क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस को क्लीन कर लूँगी जो भी फॉल आउट्स थे पिगमेंट से। अब देखिए मेरा फेस पूरा क्लीन लग रहा है और अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सेम मालियों का अपना प्राइमर, उसे फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से लगा लूँगी। प्राइमर एक बहुत अच्छा लुक देता है और आपके फेस पे भी बहुत प्यारा लगता है। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है आपका फेस, और ये वैसे भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, उसको डॉटिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी पहले, उसके बाद वेट स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे से।
ब्लेंड करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो जब भी आप ब्लेंड करें तो ध्यान रखें कि बहुत आराम से ब्लेंड करें और बहुत धीरे धीरे से, क्योंकि मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। आप जितना अच्छे से अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को, अपने आई मेकअप को ब्लेंड करेंगे ना, आपका मेकअप उतना ही अच्छा उभर कर उतना ही अच्छा निकल गया, अगर वो उतना ही अच्छा लुक देगा और पैची और उसमें हार्श लाइन्स कहीं नहीं पड़ेंगी। अच्छे से ब्लेंड कीजिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सेम क्रायलॉन का कंसीलर, उसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगाऊंगी। फिंगर की हेल्प से अपनी अंडर आइज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़ पे, कॉर्नर ऑफ द लिप्स, जहाँ पे मेरे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन है, सब जगह लगाऊंगी, ताकि जो भी डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन जो भी चीज़ है वो सब चीज़ हाइड हो जाए और फेस एक अच्छा लुक दे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ एक फाउंडेशन ब्लश, फ्लैट टॉप ब्रश फाउंडेशन ब्रश होता है, उसकी हेल्प से मैं इसको कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर बहुत अच्छा है, ये देखिए, ये फाउंडेशन ये ब्रश की हेल्प से भी, स्पंज की हेल्प से भी, दोनों की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। जब भी आप फाउंडेशन लगाए तो अपनी नेक को और अपनी हेयर लाइन को ज़रूर कवर करें ज़रूर, वरना वो बहुत गंदा इफेक्ट देता है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ सेम मेबलिन का कॉम्पैक्ट, उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को, अंडर आइज़ को, मोस्ट सबसे ज़्यादा स्पेशली अपनी अंडर आइज़ को सेट करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रीज़ होता है वो हमारी अंडर आइज़ ही होती है, तो मैं सबसे पहले अपनी अंडर आइज़ को पूरे फेस को सेट कर लूँगी, पर मैं ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊंगी एज आई ऑलवेज सेट, क्योंकि विंटर्स में कॉम्पैक्ट आपकी स्क्रीन को ड्राई बनाता है, और वैसे भी विंटर्स में स्क्रीन ऑलरेडी ड्राई भी रहती है, और जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है वो कॉम्पैक्ट को अवॉइड करें, वो कॉम्पैक्ट ना लगाएं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँ SFR की कॉन्ट्रो पैलेट, और उसको एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्ट्योर करूंगी चिजल्ड लुक देने के लिए, बस थोड़ा सा अपने फेस को, अपने फेस को कॉन्ट्योर करूंगी, थोड़ा सा अपनी चिन को भी और अपने फोरहेड को भी कॉन्ट्योर करूंगी। यहाँ पे मैं अपनी चिन को कॉन्ट्योर कर रही हूँ, चिन को कॉन्ट्योर करते डबल चिन को हाईलाइट हाइट करने के लिए, और थोड़ा सा अपने फोरहेड को भी। जब भी आप फेस को कॉन्ट्योर करें, अगर आपको नहीं आता तो आप देख सकते हैं थ्री की शेप में, जैसे मैंने अभी किया, थ्री की शेप में आप अपने फेस को कॉन्ट्योर कर सकते हैं, जहाँ से आप आपका फेस, आपका ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से आप कॉन्ट्योर करने स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ एक पीच कलर का ब्लशर इसी सेम पैलेट से, उसे डैबिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे, अपने एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाऊंगी, और थोड़ा सा अपने टॉप ऑफ द नोज़ पे भी। मैंने एक पीच कलर का, न्यूड कलर का ब्लशर यूज़ किया, क्योंकि आई मेकअप बहुत ज़्यादा लाउड हो गया था ब्लैक कलर का, तो मैंने थोड़ा न्यूड ब्लशर लिया है, इसको मैं सेट कर लूँगी स्पंज की हेल्प से। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लशर कम लग रहा था, मैं थोड़ा सा और लगा लूँगी, क्योंकि रेड रेड से चीक्स थोड़े अच्छे लगते हैं। सेम आई शेडो पैलेट से सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी फेस पैलेट, उससे मैं लूँगी हाईलाइटर को, एक ब्लश की हेल्प से हाईलाइटर को लगा लूँगी जहाँ जहाँ पे भी लगाती हूँ। एक बहुत ही सटल हाईलाइटर है और बहुत ही नेचुरल लुक देता है आपके फेस को, बहुत ही अच्छा आपका फेस लगता है। मैं इसके अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय चीक्स जहाँ पे भी मैं लगाती हूँ, देखिए बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है आपको, ज़्यादा लुक नहीं देखो इसमें, चंकी पार्टिकल्स जरा भी नहीं है, जरा भी आपको इरिटेट नहीं करेंगे। ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बॉ, चीक्स, और यहाँ पे अपने फोरहेड पे सब जगह लगा के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे मैं यूज़ करूँ एक पतला पेंसिल सा ब्रश, उसको उसकी हेल्प से मैं हाईलाइटर को, अपने ब्रॉ बोन्स और अपने इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रॉ बोन और इनर कॉर्नर को भी मैंने अपने को हाईलाइट कर लिया है। नेक्स्ट मूव ऑन टू लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँ एक मैरून सा रेडिश सा शेड, इसको मैं अपने फेस लिप्स पे अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि लिपस्टिक ही बना तो मेकअप अधूरा होता है, चाहे आप कितना मेकअप करें, लेकिन अगर आप लिपस्टिक ना लगाए तो आपके फेस पे ज़रा भी ग्लो नहीं आता। अगर आप रेड कलर की लिपस्टिक नहीं लगाते तो आप इसके साथ एक न्यूड कलर की लिपस्टिक भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि ब्लैक के साथ न्यूड कलर भी बहुत अच्छे से जाएगा। मैं लगा लूँगी लिपस्टिक, अगर आपकी लिपस्टिक कहीं से भी थोड़ी बहुत बाहर या कुछ भी मैसी सी हो जाती है, तो आप उसे अपने वेट स्पंज की हेल्प से आराम से सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा वेट स्पंज की हेल्प से, क्योंकि उसमें फाउंडेशन थोड़ा सा रहता ही है। एंड हियर इज माय फाइनल लुक गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज मेकअप लुक। अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन पे हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।